तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हिंदी में इसे बोलते हैं बैंक समाधान विवरण, राइट? देखिए होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन बेटा? मैं HDFC बैंक में जाता हूं और अपना एक अकाउंट ओपन करवाता हूं। मैंने बैंक को कहा, बैंक ये 5,000 रुपये आप रख लीजिए और आपके यहां पर मेरा एक अकाउंट ओपन कर दीजिए। बैंक के लिए मैं हो गया अकाउंट होल्डर, बैंक के लिए मैं क्या हो गया बेटे? अकाउंट होल्डर। बैंक मुझे एक पासबुक प्रोवाइड करवाएगा। मैंने बोला, बैंक ये पासबुक किस काम की है मेरे? बोले, सर ये पासबुक आप ले जाइए, जब कभी भी आपको आपके बैंक अकाउंट में किस दिन कितना पैसा जमा हुआ था, किस दिन कितना पैसा निकाल लिया, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको हमसे लेनी हो, हमारे पास आना, ये पासबुक हमें देना, हम पासबुक प्रिंटर में डालेंगे, इनपुट डालकर आपका सारा डिटेल उस पासबुक में आ जाएगा। मैंने कहा ओके बेटा। 15 दिन बाद, महीने डेढ़ महीने बाद, मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से पूछूंगा कि बैंक जरा बताना कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए का बैलेंस पड़ा है। तो बैंक क्या बोलेगा? अभी तो नहीं बता सकते, 4 दिन बाद में आना। नहीं, कोई भी बैंक आपको ये जवाब नहीं दे सकता। जब भी बैंक से आपके अकाउंट के बारे में आपसे डिटेल, आपकी डिटेल पूछी जाएगी, आप डिटेल पूछोगे, तो बैंक को इमिडिएटली क्या करना पड़ेगा, सभी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसलिए क्या बैंक के पास में सिर्फ मैं ही एक अकाउंट होल्डर होऊंगा या मेरे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे? हजारों लाखों लोग होंगे बेटा। जो भी पर्सन बैंक के यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करता है, बैंक को उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के सभी अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन की जो डिटेल है वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि कोई भी अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट की डिटेल अगर बैंक से मांगेगा तो बैंक उसे इमीडिएटली क्या कर देगा, पासबुक में उसकी एंट्री करके दे देगा। बात समझ में? अब सोचिए जरा, मैंने कौन से दिन पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था, कौन से दिन मैंने पैसा बैंक से निकाला, इसका डेटा मैंने नहीं मेंटेन कर रखा है। मैं कोई डेटा मेंटेन नहीं करता। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं बैंक के पास जाके बोलूं कि बैंक जरा बताओ मेरे अकाउंट में कितना पैसा है और कैसे कैसे है, कैसे कैसे क्या सारा बताओ, बैंक मुझसे सबसे पहले किसकी डिमांड करेगा? पासबुक। मैंने कहा ये लो पासबुक, बैंक प्रिंटर में डालेगा और मेरे अकाउंट की डिटेल उस प्रिंटर से पासबुक में प्रिंट होकर बाहर आ जाएगी। बैंक मेरा बैलेंस बता रहा है 25,000 रुपये का। बताओ बेटा ये 25,000 गलत है या ये सही, मैं पता कर सकता हूँ क्या? सोचिए, नहीं पता कर सकता। क्यों नहीं पता कर सकता बताओ? क्योंकि मैंने जो पैसे बैंक में डिपॉजिट किए और जो मैंने पैसे बैंक से निकाले, उसका कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने तो मेंटेन कर ही नहीं। जिसने भी रिकॉर्ड किया वो किसने किया? तो जो बैंक बता रहा है वही सही है या सही नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बैंक ने कहा मेरे को उसी पर फेथ करना पड़ेगा ना। यस सर, पक्का। लेकिन अगर मैं कौन हुआ? एक बिजनेसमैन। मैं कौन हुआ बेटा? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के तो बैंक से ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं कि नहीं होते? नकद के भी ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं। इसलिए बिजनेसमैन अपने कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाता है जिसका नाम है कैश बुक। क्या बनाता है बेटा? 11th क्लास में बनाई है आपने। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करें तो वहाँ कैश के साथ बैंक कॉलम भी होता है। जिस दिन मैं पैसा बैंक में जमा कराऊंगा, मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर लूंगा और बैंक मेरे अकाउंट में पैसे जमा होने या विड्रॉ करने की एंट्री पास कर लेगा। तो मैं भी डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अकाउंट होल्डर डेटा किस में रिकॉर्ड कर रहा है? कैश बुक में। और बैंक आपके अकाउंट में कौन से दिन कितना पैसा जमा हुआ, कितना विड्रॉ हुआ, उसकी जानकारी किस में देगा? पासबुक में। अब 1 महीने बाद मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, दो लोगों ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा जी बैंक में जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले पता करने कि मेरे पासबुक में कितना बैलेंस है। तो लोगों ने पूछा तुझे पता है क्या कि तेरे हिसाब से कितना पैसा होना जरूरी है? मैंने कहा हाँ। बोले कैसे? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ कैश बुक। बोले बता कितना है? मैंने कहा 35,000 रुपीज मेरे हिसाब से बैंक में पैसा डिपॉजिट होना चाहिए, ये मैंने तय कर लिया, इतना होना चाहिए। नाउ आई वेंट टू द बैंक, पासबुक दी, पासबुक में एंड बैलेंस निकल कर आता है 35,000 रुपीज। कितनी अच्छी बात है, मैं भी क्या एंटिसिपेट कर रहा था 35, बैंक भी मुझे कितना बता रहा है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बैंक में कितने होने चाहिए 35,000 और बैंक बताता है 36,000, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कितना सोच रहा हूँ 35, बैंक कितना बता रहा है? लेकिन 1,000 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या मान लीजिए मैं सोचता हूँ 35,000 होना चाहिए और बैंक बता रहा है 33,000, तो बड़ी दुख की बात है कि 2,000 कहाँ गए?
यानी कि कैशबुक का कोई बैलेंस होगा और एक बैलेंस किसका होगा? अगर बैंक ने जो पासबुक का बैलेंस बताया और जो आपकी कैशबुक का बैलेंस बताया जा रहा है, अगर इन दोनों में क्या है डिफरेंस, इन दोनों में क्या है, तो हम डिफरेंस का रीजन ढूंढेंगे और उन सभी रीजंस को ढूंढने के बाद एक कागज पे लिख देंगे। इस कागज को, इस स्टेटमेंट को ही क्या नाम देंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या नाम देंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लिखना शुरू करो, पहले इंग्लिश में लिखाऊंगा। मीनिंग, मीनिंग। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, विच इज प्रिपेयर्ड by an account holder, which is prepared by an account holder to identify the reasons, to identify the reasons of differences, to identify the reasons of differences between the bank balance, between the bank balance of cash book, between the bank balance of cash book and passbook, between the bank balance of cash book and passbook, full stop. देखिए बेटा, मैंने क्या लिखवाया है कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, जैसे शॉर्ट में ना BRS बोल सकते हैं, कि BRS एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस होगा उसको किससे मैच किया जाएगा? पासबुक के बैलेंस है। अगर इन दोनों के बैलेंसेस में कोई डिफरेंस दिखाई देगा तो वो डिफरेंस का रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और जो जो रीजंस आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसे स्टेटमेंट में डाल देंगे। इसीलिए इसे अकाउंट का नाम नहीं दिया गया है, ये केवल क्या है बेटा? एक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिस स्टेटमेंट इज अ, this statement is a memorandum statement, this statement is a memorandum statement and it is not considered a part of business books of accounts, which is not considered a part of business books of accounts. इसका मीनिंग समझो बेटा। What is the meaning of books of accounts? बेटा आपने अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट की अलग कॉपी बनाई होगी, मैथ्स की अलग बनाएंगे, लॉ की इको की अलग बनाएंगे। आपने जो भी अकाउंटेंसी का काम करना है वो लॉ की कॉपी में करेंगे या अकाउंट्स की कॉपी में? क्योंकि आपने अकाउंटेंसी का ट्रांजेक्शन्स या जो भी सर ने पढ़ाया है, जो भी इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, वो सब नोट अकाउंट्स की कॉपी में करना है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स करता है उसके लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाता है जिसमें वो अलग अलग बुक्स मेंटेन करता है। तो अपन उस सिस्टम को क्या नाम देते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस चीज की रिकॉर्डिंग करता है? बिजनेस के ट्रांजेक्शंस की या बिजनेस के इवेंट्स की। अब कैश बुक और पासबुक तो क्या है? कैश बुक एक ऐसी बुक थी जिसमें अकाउंट होल्डर ने कब पैसा बैंक में जमा कराया, कब पैसा बैंक से निकाला, उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन उसने लिख रखी। पासबुक क्या है? बैंक ने आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन कब कब कैसा कैसा किया, उन सब की डिटेल आपको दे दी। अब एक तरफ तो आपके पास क्या है, एक तरफ क्या है, आप दोनों को देख रहे हो यार, दोनों का बैलेंस ना मिसमैच हो रहा है। ये क्यों मिसमैच हो रहा है, ये रीजन हम बता करेंगे और कागज पर लिख देंगे। बेटा रीजन को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस की ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना नहीं मानते। रिकॉर्ड तो ऑलरेडी किसमें हो चुका है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्यों है, बस वो रीजन पता कर रहे हो, कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे, कागज पे लिख रहे हो। इस कारण से कैश फ्लो का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा, इस कारण से कैश फ्लो का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। तो ये स्टेटमेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये केवल एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। मेमोरेंडम मतलब होता है कागज का टुकड़ा है जो कभी भी चेक करने के काम आ जाएगा कि फलाने दिन कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से किन रीजन से डिफर कर रहा था। कागज पे बनाया हुआ एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गई? हिंदी में लिखिए बेटा, हिंदी में स्टूडेंट्स। एक चलो लिखिए लो, बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण खाता धारक द्वारा बनाया गया, खाता धारक द्वारा बनाया गया एक विवरण है जिसमें कैश बुक के बैंक बैलेंस का मिलान, जिसमें कैश बुक के बैंक बैलेंस का मिलान पासबुक द्वारा बताए जा रहे शेष के साथ पासबुक द्वारा बताए जा रहे शेष के साथ किया जाता है तथा दोनों में अंतर पाए जाने पर अंतर के कारणों को ढूंढकर उनका समाधान किया जाता है। कौन बेटा? हाँ जी बेटा, ये बात सामने आ गई कि BRS क्या एक स्टेटमेंट है जिसमें कैश बुक का बैंक बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच क्यों नहीं कर रहा, रीजंस को ढूंढते हैं और एक कागज पर लिख देते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं बन जाता हूँ बेटे अकाउंट होल्डर, आप बन जाइए बैंक। मैं अपने ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करूंगा? आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करके मुझे किस में इंफॉर्मेशन देंगे? पासबुक। तो कैश बुक में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? अकाउंट होल्डर। और पासबुक में जो भी जानकारी मिल रही है वो किसने दी है आपको? बैंक। थोड़ा सोचिए, दो अलग अलग पर्सनैलिटी हो गए कि नहीं हो गए? मैं कौन हो गया? अकाउंट होल्डर। एक कौन हो गए? बैंक। दो अलग अलग आदमी हो गए। हम इस चैप्टर में कैश बुक के हमेशा कौन से कॉलम की बातचीत करेंगे? ऐसा क्यों सर? क्योंकि कैश बुक में ट्रिपल कॉलम, अगर कैश बुक किसी बिजनेस मैन ने बना रखी है तो उस कैश बुक में कैश कॉलम भी होगा, बैंक कॉलम भी होगा और डिस्काउंट। जबकि हमारे को इस चैप्टर में किस कॉलम की जरूरत है? बैंक कॉलम। अकाउंट होल्डर ने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट किए बेटा? 10,000। बैंक ने भी अपने अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड कितने रुपए का अमाउंट डिपॉजिट कर लिया? 10,000। मैंने कहा मैंने 10,000 जमा करें, आपने कहा आपके हो गए 10,000 जमा।
मैंने कुछ दिनों बाद बैंक में अगेन 15,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। अब मेरे ओपिनियन में आज के दिन कैशबुक का बैलेंस कितना है? 25,000। बैंक ने भी आपके अकाउंट में कितना रुपए क्रेडिट कर दिया? 15,000। तो बैंक भी कितना ही बैलेंस बता रहा है? 25,000। बात समझ आ रही है? कुछ दिनों बाद मैंने बैंक से 4,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। मैंने कहा कि 25,000 पहले से डिपॉजिट थे, 4,000 मैं निकाल लिया, तो बैंक बैलेंस मेरे हिसाब से कितना हो गया? 25,000। बैंक ने भी आपके अकाउंट में से 4,000 माइनस किए और बैंक भी आपका बैलेंस कितना बता रहा है? अच्छा, ये वाला बैलेंस तो किसको पता है और ये वाला बैलेंस किसको पता है? मैं हूँ अकाउंट होल्डर, आप है बैंक। मैं आज अपने घर से पासबुक लेके निकल रहा हूँ, ये मेरी क्या है, पासबुक, मैं निकला और जा रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक मेरा बैलेंस कितना बताएगा। मैं गया आपके पास आया, मैंने कहा बैंक ये पासबुक लो, एंट्री करके ले लो। बैंक ने मेरा बैलेंस कितना ही बताया है, बताइए दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा? कोशिश कीजिए। कहना ही से कि जो ट्रांजेक्शन अकाउंट होल्डर ने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया है, वही सेम ट्रांजेक्शन बैंक ने भी अपने सिस्टम में रिकॉर्ड किया कि नहीं किया? जो पैसा आपने बैंक से निकाला, वही बैंक ने आपका भी माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया? यानी ट्रांजेक्शन दोनों ही बुक में जो होने थे वो सही सही रिकॉर्ड हो गए, इसलिए कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मिसमैच नहीं करता। लेकिन एक चैप्टर हमारे कोर्स का पार्ट है, एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से, यानी कि कुछ ना कुछ रीजन डेफिनेटली होगा ना कि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो पाता। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस ऑफ कैशबुक, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 कैटेगरी बना के उसको समझाऊंगा। पहला पॉइंट लिखें, ड्यू टू टाइम रीजन, टाइम DUE ड्यू टू टाइम रीजन। नंबर सेकंड, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू लैक LACK लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और थर्ड वन इज ड्यू टू मिस्टेक्स। हिंदी में लिख लें, कैशबुक और पासबुक में अंतर के कारण। कुछ दिनों बाद हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मैच सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? कैशबुक और पासबुक में अंतर के कारण, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट लिखिए, समय के कारण, दूसरा लिखेंगे सूचना के अभाव के कारण और तीसरा लिखिए बेटा अशुद्धियों के कारण। चलिए इंग्लिश में सारे बच्चे बोलेंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। बेटा मैंने कहा कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस के कुछ 3 कारण हो सकते हैं, 3 रीजंस मैंने दिया। नंबर 1, सब बच्चे बोले, टाइम रीजन, टाइमिंग गैप के कारण दोनों में डिफरेंस आ सकता है। सेकंड बोलिए, इंफॉर्मेशन में लैकिंग थी, यानी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी अकाउंट होल्डर को, इसलिए डिफरेंस आ सकता है। थर्ड बोली, गलतियों के कारण भी डिफरेंस आ सकता है। कैसे बेटा? आपका नाम क्या है? रुद्र अग्रवाल। बेटा मेरे बैंक में बैलेंस देखिए, कितने रुपए का डिपॉजिट बैलेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको, 10,000 दिखा रहा हूँ ना। बैंक भी पासबुक में मेरा कितना बैलेंस बता रही है? आज डेट क्या है बेटा? 14 सितंबर।
मैंने 14 सितंबर को रुद्र नाम के मेरा जो क्रेडिटर था उसे 2000 रुपये का एक चेक इशू कर दिया क्योंकि मुझे इसे पैसा देना था। मैं अपनी बुक्स में रुद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक की एक एंट्री जरूर पास करूंगा ना। तो जो बैंक बैलेंस मेरा 10,000 का डिपॉजिट बैलेंस बताता था, जैसे ही 2000 का चेक इशू करूंगा तो कैश बुक का बैलेंस 10,000 में से 2000 रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा बेटा? बात समझ में आ गई? ये मैंने बैलेंस कौन सी डेट को दिखाया है? 14th of September 2022। रुद्र, क्या जरूरी है कि 14 तारीख के दिन ही तुम बैंक में जाओगे और पैसा निकलवा लोगे? एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी 14 तारीख पर 3 महीना ऐड कर दीजिए तो 14 अक्टूबर, 14th नवंबर, 14th दिसंबर। तुम 14 दिसंबर 2022 तक इसी चेक को पैसा बैंक में निकाल कर पैसा लगाकर पैसा निकाल सकते हो। हाँ, 15th ऑफ दिसंबर को जाओगे तो चेक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे नया चेक लेना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मान लीजिए मैं हर महीने के एंड में पासबुक में एंट्री करवाता हूँ, हर महीने के एंड। अब सितंबर का एंड कब होगा? 30th सितंबर। सितंबर महीने का एंड कब होगा? 30th सितंबर। 30th सितंबर को मैं पासबुक में एंट्री करवाने गया, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक कितना बैलेंस बताएगा, लेकिन बैंक तो अभी भी कितने का ही बैलेंस बता रहा है। अरे, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला बैंक थैंक यू सो मच, बैंक बोलेगा भाई हमें क्या थैंक यू सो मच बोल रहे हो, बोले यार तुमने हमारा बैलेंस कितना दिखाया। तो बोले सो व्हाट, बोले हमने 2000 का चेक इशू कर दिया था। तो बोले तुमने किसको चेक इशू किया था? किसी क्रेडिटर को, वो आया नहीं हमारे पास, जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन पैसे भी दे देंगे, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए 30th सितंबर से पहले कभी भी रुद्र इस चेक को बैंक में लगा दिया होता, बैंक मेरे अकाउंट से 2000 निकालता और पैसा दे दिया होता, बैंक भी 10,000 माइनस 2,000 मेरा बैलेंस कितना दिखाया होगा? क्यों बैंक ने बैलेंस कम नहीं किया है? क्योंकि जो चेक मैंने इशू किया था, द चेक आई इशूड वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब मैंने तो एंट्री कौन सी डेट को कर ली है? बैंक में एंट्री जिस दिन होगी उसी दिन चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए टाइमिंग गैप के कारण एक बुक में रिकॉर्डिंग पहले हो गई, दूसरी बुक में रिकॉर्डिंग बाद में हुई, दोनों में डिफरेंस का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? दैट वॉज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड देखो बेटा क्या लिखा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा बैंक आपके डिपॉजिट वैल्यू पर आपको क्या देता है? इंटरेस्ट। बैंक कभी आपके घर आएगा क्या बेटा पैसा देने के लिए? कभी आपके अकाउंट में कोई बैंक चार्ज लगाना हो तो आपके पीछे पीछे घूमेगा, दे दो यार 550 दे दो यार, ऐसा भी होता। बैंक या तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा इंक्रीज करेगा, क्रेडिट करेगा, और या फिर तुरंत आपके खाते से पैसा निकाल लेगा। मान लीजिए बैंक ने आपको 200 रुपये का क्या अलाउ किया? इंटरेस्ट। बैंक आपका बैलेंस कितना रुपये कर चुका है? बैंक ने पॉलिसी बना रखी कि वो 1000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन जो भी आपके अकाउंट में करेगा उसकी जानकारी आपको नहीं देगा। बैंक की पॉलिसी मान ली, किसी बैंक की कुछ भी पॉलिसी हो सकती है, बैंक ने इंटरेस्ट कितना दे दिया और कितना बैलेंस बढ़ा दिया आपका? 200 रुपये से बढ़ाकर 10,200 कर दिया। बैंक ने आपको इसकी कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई। क्या आपको अता पता है क्या बेटा? आप तो कब जाएंगे पासबुक में एंट्री करवाने? 30th सितंबर। आप तो कब जाएंगे? बैंक ने 14 तारीख के दिन आपके अकाउंट में सपोज क्या दे दिया है? इंटरेस्ट। सपोज क्या आपको पता चला क्या? नो। आज आपकी कैशबुक 14 तारीख के दिन कितने का ही बैलेंस बताएगी? और आपको तो पता ही नहीं है, तो आप 30th सितंबर तक भी अपना बैलेंस कितना ही बताओगे? 10,000 ही बताओगे। क्या कैशबुक और पासबुक का बैलेंस 200 रुपये से डिफर हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन बैंक ने आपके अकाउंट में किया है, बैंक ने आप इसकी कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई। अंडरस्टूड ना बेटा? अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बैंक ने मेरे बिहाफ पर किसी से पैसा लेना था, ले लिया और मेरे अकाउंट में डाल दिया, मुझे नहीं बताया। बैंक ने मेरे बिहाफ पर जिसको पैसा देना था मेरे अकाउंट से पैसा निकाला और पैसा दे दिया पर मुझे नहीं बताया। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उन कंपनीज ने क्या दिया अपने सभी शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड दिया, डिविडेंड सीधे बैंक में जमा हो गया, बैंक ने मुझे नहीं बताया।
तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंटिंग अकाउंट में कर देगा, लेकिन आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड या तो करवाई नहीं होगी या करवाई थी लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई, उस कारण से कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू मिस्टेक। ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा बेटा। मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय था, क्या था बेटे, उस एम्प्लॉय को मैंने 2500 का चेक इशू किया है सैलरी के लिए, सैलरी पे करने की, चेक से सैलरी पे करने की एंट्री बोलिए। नकद में देंगे सैलरी तो सैलरी टू कैश होगा, चेक इशू करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। मैंने अब 2500 का चेक दिया, ध्यान रखिएगा कितने का दिया है, 2500 का, ध्यान रखना बेटा। वो चेक बैंक में कितने रुपए का प्रेजेंट होगा, यू आर माई एम्प्लॉय, मैंने आपको चेक कितने का दिया, 2500। आप बैंक में जाओगे चेक दोगे, बैंक आपके मेरे अकाउंट से कितना पैसा निकालेगा, आपको दे देगा 2500। बैंक ने बैलेंस कितना कर दिया, देखो मैंने भी एंट्री करी है कि नहीं करी है, सही करी है कि नहीं, कहाँ गलती करी, सही तो लिखा है। अच्छा अच्छा 2500 लिखना चाहिए था मुझे, मुझे कितना लिख दिया। अब ये तो आप लोगों को मेरी गलती साफ साफ दिखाई दे रही है। मान लीजिए आप नहीं होते मेरे सामने और मैं अकाउंट होल्डर होता तो मुझे कैसे अंदाजा होता कि मैंने गलती करी है कि नहीं करी है। अब जब मैं 30 सितंबर के दिन पासबुक में एंट्री करवाने जाऊंगा तो मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि पासबुक कितने का बैलेंस दिखाएगी, लेकिन पासबुक तो कितने का दिखा रही है। लड़ लो क्या बैंक से, निकाल मेरे 500 रुपये कहाँ गए, ऐसा करूँगा क्या, अरे आई विल हैव टू आइडेंटिफाई, चेक करना पड़ेगा मुझे, मैं देखूंगा यार बैंक ने 2500 माइनस किया है, मैंने कितना माइनस किया है 2000, तुरंत समझ आ जाएगा कि यार मैंने सैलरी कितने की दी थी 2500 की और मैंने रिकॉर्डिंग कितने से करी है, डिफरेंस इस कारण से आया कि नहीं आया, ड्यू टू मिस्टेक। अच्छा जरूरी नहीं है कि मिस्टेक खाली हम ही करें, बैंक भी कर सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक से गलती नहीं होगी, हो सकती है बैंक से भी गलती। तो चाहे एरर आप कीजिए चाहे एरर बैंक करे, दोनों में डिफरेंस का रीज़न होगा कि नहीं होगा, ये 3 reasons होंगे। अब ऐसा नहीं है बेटा कि 3 reasons ही होंगे, मतलब इन reasons के 50 examples हो सकते हैं, पहले रीज़न के भी 3 examples हो सकते हैं, दूसरे वाले के भी 10 examples हो सकते हैं, मिस्टेक के भी अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे, मैंने चेक तो इशू किया रिकॉर्ड ही नहीं किया, चेक तो इशू किया लेकिन इशू करने की बजाय चेक बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कर दी, सोचा बैंक से निकले नहीं डिपॉजिट हुए हैं, बात समझ में आ रही है। तो इन रीजंस के भी फर्दर एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो पढ़े समझ में आया बेटा, फटाफट मेरे साथ जो डेफिनेशन थे उसको रिवाइज करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे सारे बच्चे, वॉट इज बी आर एस, बोले बी आर एस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंट होल्डर to identify the reasons of differences between the bank balance of cash book and passbook. हम इस चैप्टर में कैश बुक के बैंक बैलेंस की पासबुक के बैलेंस से मैचिंग करेंगे, और डिफरेंस आएगा तो रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे और कागज पे लिख देंगे, दैट पेपर वर्क विल बी कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आगे क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट एंड सो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट। ये स्टेटमेंट एक मेमोरेंडम है, कल को आपसे कोई पूछे क्या तेरी कैश बुक इतना दिखा रही है, तेरी पासबुक इतना दिखा रही है, ये रीजन बता क्या रीजन है, तो अपन हर आदमी को मुंह से बोल बोल के नहीं बताएंगे, उसके हाथ में क्या पकड़ा देंगे, बी आर एस, चेक योरसेल्फ कि इस कारण से डिफरेंस आ रहा है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई अकाउंटिंग नहीं होती, ये तो जो डेटा रिकॉर्ड हो चुका है उसमें जो डिफरेंस आया है उन्हीं को शो करने का काम करता है। कितने रीजंस हो सकते हैं बी आर एस रीजंस, और बहुत सारे हो सकते हैं वैसे तो अलग अलग, लेकिन हमने मेन कैटेगरी कितनी बनाई है 3। पहला ड्यू टू टाइम, टाइमिंग गैप के कारण क्या आ जाता है डिफरेंस, एक बुक में रिकॉर्डिंग आज हो गई दूसरी बुक में रिकॉर्डिंग कभी और हो गई, डिफरेंस आएगा बेटा। नंबर 2 क्या है, ट्रांजेक्शन किसने रिकॉर्ड कर दिया है, आपकी बुक में पैसा किसने जमा कर दिया अकाउंट में, बैंक ने, निकाल किसने लिया है, बैंक ने, बैंक ने पासबुक का बैलेंस या तो इंक्रीज या increase. लेकिन उतना जानकारी अपने को रिसीव नहीं हुई, तो केवल चेंज किस में हुआ है, इधर इधर देखो, मैं इधर के इशारा करूँ तो ये कैश बुक है, इधर इशारा करूँ तो क्या है ये पासबुक, क्योंकि मैं इधर हमेशा क्या लिखूंगा इस चैप्टर में, मेरे लेफ्ट में क्या आएगी हमेशा, राइट में क्या आएगी, तो मैं कह रहा हूँ चेंजेस किस में हो चुके हैं, किस में नहीं हुए, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा।
एंड तीसरा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में क्या हो जाए, उससे भी क्या आ सकता है बेटा, डिफरेंस। आई बात समझ? कल यहाँ से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पढ़े समझ आया? यस सर। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके।